परम शांति बापू जी, आगे की वीडियो के कंटिन्यूशन में कि जो आप परम महाकारण शरीर के ऊपर बोल रहे थे, आप बताइए। देखो अभी बता रहे कि जैसे ओम की ध्वनि भक्ति मार्ग वाले करके कुंडलिनी जागृत करते हैं ना। हाँ जी, कुंडलिनी जागृत में नीचे मूलाधार चक्र से सारा चक्र जागृत हो जाते, फिर आठवां आज्ञा चक्र आता है। जी जी, तो आठवां आज्ञा चक्र माना आत्मा चक्र। जब आत्मा की पावर आ जाएगी तो आत्मा में पावर आते ही तुम्हारा यहाँ शस्त्रागार का जो सेल है, हाँ जी, बहुत अरबों खरबों सेल है शस्त्रागार के, ठीक है, उसके अंदर सारी मेमोरी पड़ी है, ठीक है, वो भी मेमोरी चार्ज हो जाएगी। आत्मा के अंदर से कनेक्टेड है वो मेमोरी, ठीक है। मेमोरी आज की थूल जगत में मेमोरी कहाँ पड़ी है? आकाश तत्व की, आकाश तत्व में। ऐसी तरह तुम्हारी परम लाइट जागरूक हो जाएगी, हाँ। तो आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है वो पूरा इमर्ज हो जाएगा तुम्हें। बापू जी, अब बात आगे हो रही थी, आपने हमें ये भी बताया था कि हम यहाँ बैठ के जो है बेहद के कला के ब्रह्मांड को देख पाएंगे, इसके ऊपर बताइए। देखो एक बात बताऊ, एक मार्कंडे मुनि की कहानी बताता हूँ, भक्ति मार्ग की, ठीक है। मार्कंडे पुराण में मार्कंडे ऋषि ने मार्कंडे पुराण लिखा है, ठीक है। मार्कंडे ऋषि यहाँ बैठे थे धरती पर, मनुष्य अवतार बैठे थे जी, और वो देखते थे ब्रह्मापुरी में वो नाच गाना डांस हो रहा है, वो देखता था। क्या देखता था? ठीक है, ठीक है। तो उसी टाइम इंद्र को बोला, इंद्र को लगा कि ये मेरा राजपाट ले लेगा, ठीक है, इसलिए उसने बड़ी डांसर को भेजा, क्या बोलते उसको जी, जो बड़ी बड़ी डांसर होती है ना इंद्रलोक की नाचने वाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उसको विश्वाम उसको मार्कंडे ऋषि को, मगर उसने आंख खोल के देखा नहीं, क्या बोला, ठीक है, उसने वो डांसर को देखा नहीं, ठीक है। तो ऊपर बैठा बैठा इंद्र बहुत चिंता में हो गया है, तो ये डांसरों को भी नहीं देखता है, हाँ जी, इतनी स्वरूपवान है, इतनी है। तो इंद्र खुद आया, इंद्र ने खुद बोला कि ये मुनीश्वर आप क्या चाहते हो? तो इसने मार्कंडे ऋषि ने बोला कि ये तीन लोक तक का तू स्वामी है, भूलोक भूभूलोक स्वर्लोक का स्वामी है, सच बात है, तेरे पास है क्या, तेरे पास जो नर्तकी है, जो जिसको खूबसूरत तू कहता है, ठीक है, जो दूसरों को ऋषि मुनियों की तपस्या विश्वामित्र जैसी तपस्या मेनका के द्वारा तोड़वा दी तूने, हाँ जी, हाँ, तो ऐसी मेनकाओं को तू भेज देता है ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए, हाँ, क्योंकि तुम्हें डर है कि उसके पास पावर आएगी कि तो मेरा इंद्र का राज तुम ले लोगे, ठीक बात है, हाँ, ठीक है। तो वो बोलता है मैं तो ब्रह्मापुरी में वहां जो नाचने वाली है वो डांस देख रहा हूँ, क्या डांस देख रहा हूँ, आजकल दुनिया को डांस क्यों पसंद आता है, वो ब्रह्मापुरी से ही प्रेशर पड़ा हुआ है, सच बात है, केवल इंद्रलोक की बात नहीं बापू जी, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बोल, पहले सुन लो, हाँ, तो वो मार्कंडे ऋषि कहाँ देख रहा था, ब्रह्मापुरी में डांस हो रहा वो देख रहा, ओके, तो उसने बोला कि वहां जो डांसर है ना, हाँ, वहां की जो दासियां है ना, हाँ जी, वहां जो डांसर है उसकी जो दासियां है, हाँ जी, उसकी दासियां भी तेरे मेनका से भी ज्यादा खूबसूरत है, तो मैं इनको देखूंगा या उसको देखूंगा, तो ऋषि मुनि भी किसको लटक जाते थे वहां, क्या करते थे, तो बुद्धि तो कहीं ना कहीं लटक जाती है ना कुछ देखती रहती है ना जी, चाहे तुम ब्रह्मापुरी में बुद्धि लटक जाए, विष्णुपुरी में लटक जाए, शिवपुरी में लटक जाए, इसलिए ऋषि मुनि ऊपर चले जाते हैं, फिर मनुष्य अवतार में आते हैं, ऊपर चले जाते हैं फिर मनुष्य अवतार में आते हैं, क्यों जी, क्योंकि जाते तो परम धाम में चले जाते हैं और ऊपर दूसरे लोक में भी चले जाते हैं, मगर ये इनका कारण है, पुराणों में ये बातें लिखी है, माया ब्रह्मापुरी तक विष्णुपुरी तक माया है। बाबू जी, अब मैं बोलता हूँ कि जैसे हमें BKM सिखाया गया कि तुम मनुष्य से देवता बनोगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें इंद्र पद मिल गया, लेकिन तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहाँ गया, वो भी तो काम ही था, क्रोधी था, मोही था, उसको अपने अहंकार था, अपनी शक्तियों का, अपने इंद्रासन को बचाने के लिए कितना युद्ध करना पड़ता था। हालांकि जो रियलिटी में जो आपने पुरुषार्थ बताया, ये सभी चीज़ों से ऊपर, ना हमें देवता बनना है, ना हमें इनसे ऊपर, ये परम धाम तक भी नहीं रहना, हमें तो बेहद की कला के परम धाम में जाना है, 16 कला संपूर्ण की बात नहीं है जी। देखो तुम जो सोचोगे वो बनोगे, एक साइंटिफिक थियरी है ना, सच बात है, तुम्हारे सोचने से ओरा बनता है जी, तुम जो सोचोगे वो बनोगे जी, तुम ऊंचते ऊंच परम धाम में रहकर जी ऊंचते ऊंच परम लाइट लोगे तो तुम्हारे आत्मस्वरूप की इतनी तेज हो जाएगी, हाँ जी, आत्मस्वरूप में पूरा बेहद का कला का ब्रह्मांड भी तुम्हें दिखने लग जाए, जो मैं देखता हूँ ना, यही बापूजी चाहते हैं कि हर बच्चा बोले, इसलिए उसको बोलते हैं बाप समान स्टेज, क्या जब तक और फिर तो तुम्हारे पास इतनी पावर आएगी कुछ मांगने से मना वाला बाप से भी पावर मांगनी नहीं पड़ेगी, कि मुझे पावर दो भिखारी नहीं बनना पड़ेगा जी, जी। बाप से भी पावर लेने की जरूरत नहीं है, बाप तो तुम्हें ज्ञान देता है, हाँ। और योग द्वारा दियो को जलाने के लिए, बाप को दिया जलाने के लिए ज्ञान देता है, तुम दिया जला लो, और दिया जलाओगे तो पूरा पावर हाउस तुम्हारा जागृत हो जाएगा, हाँ जी, पूरा परम महाकारण शरीर पावर हाउस तुम्हारे पास भी है जी, अंदर सारा पावर पड़ा हुआ है, उसको जगाओ तुम,
जी जी मगर कब जगेगा, जब बेहद के परम धाम में रहोगे तब। अगर हद की बुद्धि होगी, हद की चीजों में बुद्धि होगी जी, देहधारियों में फंसोगे, हाँ जी, मानसान में फंसोगे जी जी, जी। मानसान नहीं चाहिए, ये कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं क्या है, कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा, इनसे मानसान लेके क्या करोगे, जीवात्मा है ना सर। एक बात बताऊं, कई बार बच्चों की इच्छा होती है कि मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर आऊं, बराबर है ना, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं बच्चों को कहता हूं वो फूलों का गुलदस्ता लेकर मैं क्या करूंगा, ठीक है, तुम फूल जैसे बन के मुझे दिखाओ ना, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे वो फूलों का फूल गुलदस्ता नहीं चाहिए, राइट, मुझे थूल फूलों का गुलदस्ता नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कोई थूल चीज कोई भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारा कपड़ा चाहिए, ना टोपी चाहिए, ना कुछ चाहिए मुझे, सही बात है, मुझे तुम फूल जैसे आत्मस्वरूप बनकर दिखाओ, ये मुझे गिफ्ट देनी है, आप बच्चे मुझे गिफ्ट देंगे, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है बाबूजी। अगर आत्माएं कुछ दे पाए आपको तो मतलब ये उनका बहुत बड़ा भाग्य होगा कि अगर ये कुछ कर अगर मुझे देना है, हाँ जी, तो आत्मस्वरूप की स्टेज बनाकर मुझे आत्मस्वरूप की गिफ्ट दो जी, ये मुझे गिफ्ट देना है, अब मैंने बहुत गिफ्ट दे दी तुम्हें, ठीक है, अब तुम मुझे बच्चे मुझे बाप को गिफ्ट देंगे, मेरी गिफ्ट क्या होगी जी, आत्मस्वरूप की अनुभूति, बेहद की आत्मस्वरूप की अनुभूति जी, बेहद की अनुभूति जी, वो मैं स्वीकार करूंगा, बाकी हद की चीजों को वैसे भी पहले मैं नहीं स्वीकार करता, कोई भी चीज नहीं जी, क्या करना है उसको, और ऐसे 108 बीज रूप जाग गए ना, 108, हाँ जी हाँ जी, तो उसके अंदर इतनी पावर है, ये बीज रूपों 108 बीज रूपों की जिम्मेदारी है, क्या है, सच बात है, पहले ही बोला है 108 बीज रूप सारी सृष्टि को परिवर्तन कर दे जी, उसके बाद इतनी पावर है कि वो, और बीज रूपों की जिम्मेदारी है, अब बीज रूप सोए पड़े तो क्या करो जी जी जी, 108 हो, 1008 हो, 16000 हो, चाहे बेहद की आत्माओं की जिम्मेदारी है जी जी, इसलिए अपनी पावर को जगाओ जी, पावर लो, पावर को जगाओ जी, अपने बेहद का आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, यहाँ बेहद का आत्मस्वरूप जी जी जी, और बेहद की पावर की अनुभूति करो, बेहद की पावर जगाओ, आत्मारूपी दिया जलाओ जी जी जी, ये असली दिवाली यही आत्मारूपी दिया जलाने की, क्या है दिवाली, असली दिवाली कौन है, वो दिवाली नकली है जी जी जी, आत्मारूपी दिया जलाओ यहाँ, ये असली दिवाली है। तो बापूजी यही मैं कामना करता हूँ कि बेहद की सभी आत्माएं आज के ये वीडियो देखें, समझें और परम लाइट को आत्मा में लेने की कोशिश करें, और उस लाइट को वो बचा के अपने अंदर अपने कारण महाकारण परम महाकारण शरीर में स्टोरेज करें, और अपने आत्मा का दिया जलाएं और जलाए रखें, ये नहीं कि उसको बुझा दे, क्योंकि इस धरती लोक की माया इतनी प्रभावशाली है कि धरती लोक की जो आत्माएँ हैं, मतलब ये बेहद की आत्मा भी उससे प्रभावित हो जाती है और उसके दिए बुझ जाते हैं, और फिर वही उनके जीवन में अंधेरा पड़ जाता है, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नास्तिकता की ओर वापिस जाते हैं या भक्ति मार्ग में वापिस जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्राप्ति कुछ नहीं होगी ना, यहाँ तो बेहद का आत्माओं के लिए ज्ञान है, बिल्कुल, तो बेहद की बुद्धि जागेगी तो बेहद का ज्ञान आएगा, तो आत्मस्वरूप की बेहद की होगी ना, बिल्कुल, या थोड़े को दिया जगने से कुछ नहीं होगा जी, यहाँ तो बेहद का पावर चाहिए, बेहद की कला का पावर चाहिए, कौन सी पावर चाहिए जी जी जी, तुम्हारी आत्मा को बेहद की कला का पावर चाहिए जी, कोई जी। ये कोई शिव महाशिव परम महाशिव से पावर लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सच बात वो है। तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने जी जी जी, तो बाबू जी पूरे मल्टीवर्स को बदलने के लिए आत्मा को ये पुरुषार्थ करना चाहिए, और ये विश्व का तो परिवर्तन करना ही है, पर जैसे अरबों खरबों पृथ्वी अरबों खरबों जो वो सब बदल सकते हैं, इसमें इतनी पावर है, एक एक आत्मा में, मैंने बोला ना 108 1008 या 16000 तक जो पात्रा है जी, उसमें इतनी पावर है कि पूरा बेहद की कला का ब्रह्मांड बना सके, इतनी एक एक आत्मा में पावर है कितनी जी जी, तो मल्टीवर्स तो क्या चीज है, वो तो सोई की नोक बराबर भी नहीं है जी जी जी, सच बात है, तो क्या एक साथ में कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बेहद का विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल, मगर आत्मा को ज्ञान योग सेवा, और फिर सेवा तो संकल्पों से होगी, तुम्हारी आत्मस्वरूप की स्टेज बन गई तो तुम्हारा ऊरा में इतना फैलता जाएगा, परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैल जाएंगे जी, और परम शांति के वाइब्रेशन इतने फैल जाएंगे हाँ जी, परम तत्व फैलेंगे तो ऑटोमेटिक परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे जी, और जी, परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे जो नेगेटिव सोच वाले हैं उनकी नेगेटिव सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी, मैंने बोला ना दुश्मन भी तुम्हारे से पावर लेगा, परम शांति के वाइब्रेशन लेगा, हाँ जी हाँ जी, और परम शांति के वाइब्रेशन टच करेगा उसको, परम शांति अनुभव करेगा और नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगी, हमें नेगेटिव सोच को खत्म करना है, नेगेटिव वायुमंडल को बदलना है, नेगेटिव वायुमंडल को परम शांति के वायुमंडल में बदलना है, ये हमारा काम है, हम किसी के खिलाफ नहीं है जी, जी हम न किसी के खिलाफ है जी, 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 इसलिए हमारे लिए केवल परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ वो बच्चे, और उसको भी परम शांति मिलेगी जी, घर भी परम शांति से भर जाएगा जी, घर भी परम लाइट मंदिर बन जाएगा, हाँ जी, और घर वाले भी बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, तुम इतनी बड़ी दुनिया बदल सकते हो, तुम क्या घर को नहीं बदल सकते, बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ बदल सकते हैं
जी चैरिटी बिगिंस एट होम, बिल्कुल बिल्कुल, पहला बोला है घर को बदलो, परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन बोला हुआ है। जी जी जी, चलिए बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो, तो जो पार्ट वन पार्ट टू देखेगा उसकी लाइफ डेफिनेटली बदल जाएगी, अगर वो खुद संकल्प करे कि मैं बदलना चाहता हूँ तो, और जीवन में प्रैक्टिकली उसको अनुभूति होगी और वो करेगा और बेहद की दुनिया को वो बेहद की दुनिया में वो जरूर जा पाएगा। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परम शांति। और कुछ कहना चाहेंगे बापू? नहीं बस परम शांति, परम शांति।